वन लिखा हुआ था, यानी कि वन एस वन पी वन डी, जबकि ट्रिपलेट स्टेट्स में लिखा हुआ था थ्री एस थ्री पी थ्री डी। तो हमें देखते साथ ही पता चल जाता है कि अगर s इक्वल्स टू ज़ीरो है तो वो सिंगलेट स्टेट है, और अगर s इक्वल्स टू वन है तो वो ट्रिपलेट है। और हमें ये भी पता है कि s जो होता है इट इज़ द सम ऑफ s1 एंड s2, वेयर s1 इज़ वन हाफ एंड s2 इज़ वन हाफ फॉर द पैरेलल स्पिन, और ये वन आता है। और पैरेलल स्पिन का मतलब है कि वेव फंक्शन आपके पास सिमेट्रिक होगा जो कि ट्रिपलेट स्टेट को कॉरेस्पॉन्ड करता है, जबकि आपके पास s जो है वो अगर टोटल स्पिन वन हाफ माइनस वन हाफ ड्यू टू एंटी पैरेलल स्पिन इट गिव्स यू ज़ीरो, एंड दैट मीन्स कि एंटी पैरेलल स्पिन आपको एंटायर सिमेट्रिक स्पिन वेव पार्ट देती है जो कि सिंगलर स्टेट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। हमें ये भी पता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इज़ द सम ऑफ ऑर्बिटल पार्ट एंड द स्पिन पार्ट। जे स्क्वायर जो है ऑपरेटर हमें जे इंटू जे प्लस वन वैल्यू देता है, जबकि जे जी ऑपरेटर हमें एम जे वैल्यू देता है। एच कट को हमने एटॉमिक यूनिट्स में यहाँ पे वन लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स अपना रोल प्ले करते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में स्पिन इंटरेक्शन करते हैं क्योंकि हर स्पिन की अपनी मैग्नेटिक पार्ट होती है। यहाँ पे मैंने जो लेवल स्कीम ड्रॉ की है वो फुल आपके पास थ्री बॉडी सिस्टम हीलियम प्लस प्लस यानी कि टू प्लस न्यूक्लियस की, और अलॉन्ग विद टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। इससे पहले जो हम लोगों ने ड्रॉ की थी डेट वाज ओनली द डिस्क्रीट पार्ट ऑफ द हीलियम स्पेक्ट्रम, और दोनों में ये फ़र्क है कि हमने यहाँ पे ओवरऑल डी जेनरेसी जो कि लिफ्ट अप होगी है ड्यू टू रिपल्जन टर्म उसको भी इनकॉर्पोरेट किया है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जब आपके पास हीलियम अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है हीलियम एटम, यानी यहाँ पे कोई भी आयनाइजेशन नहीं हुई भी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी जो है वो -79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। और जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, पैरा हीलियम और ऑर्थो हीलियम हम देखते हैं यहाँ पे जनरेट होती हैं स्टेट्स, तो स्पिन सिंगलेट और ट्रिपलेट की वजह से यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं, हालांकि दोनों की एनर्जीज जो हैं वो सेम है। अब यहाँ पे ये शो हो रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो ये लेवल आया है इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है जबकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट आउट हो चुका हुआ है। यानी इमिट आउट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन हो गया जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, और दिस कॉरिस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम देखना चाहते हैं सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट और मेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जीज, और वो आपके पास आता है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यू हैव टू प्रोवाइड 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू आयनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है, और इसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। फिर देन हम ये देखते हैं कि जो आपके पास पहला इलेक्ट्रॉन था वो नॉकआउट हो गया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एन इक्वल टू वन स्टेट में है, यानी उसने अभी कहीं पर भी ट्रांजिशन नहीं की, ना वो एक्साइटेड हुआ ना ही वो आयनाइज हुआ, ठीक है। तो हम दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अब ये जो स्टेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है इसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे आयनाइज हो चुका हुआ था, जबकि यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वन एन इक्वल टू वन में था और अब वो एन इक्वल टू टू में आ चुका है। तो इसकी एनर्जी हम देख रहे हैं कि उसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है जो कि n इक्वल टू वन में था। अब देखें कि वो जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो चुका है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो ट्रांजिशंस कर रहा है, अब वो n इक्वल टू टू से n इक्वल टू थ्री में जंप करेगा, देन n इक्वल टू फोर में, सो ऑन अनटिल एक वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि ये हाईएस्ट लेवल है जिसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नॉकआउट हो गया है। तो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एक इलेक्ट्रॉन आयनाइज होता है, दूसरा ग्राउंड स्टेट में रहता है,
फिर देन वो जो नॉकआउट हुआ होता है उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट्स में जाना शुरू करता है अनटिल वो भी नॉकआउट हो जाता है। तो इसके हम देखते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो गया और यहाँ पे एनर्जी जो है वो सबसे हाई है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हीलियम को हीलियम 2+ में कन्वर्ट कर देता है और हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कॉन्टिन्यूम में चले जाते हैं। हम लोगों ने ये जो लेवल स्कीम देखी है दिस इज फॉर 3-body system कंसिस्टिंग ऑफ हीलियम 2+ न्यूक्लियस एंड अलोंग विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लास आप लोग ये देख सकते हैं कि अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा कि जब आपके पास नॉड मींस के एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो चुका है उसकी एनर्जी माइनस, जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में थे तो उनकी एनर्जी में से माइनस करेंगे तो आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किन दो एनर्जीज को का डिफरेंस लिया है। यहाँ पे दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड दिस इज द एनर्जी फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो जो आपके पास एनर्जी है ये यू हैव टू प्रोवाइड दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द हीलियम एटम इन ऑर्डर टू मेक फर्स्ट आयनाइजेशन। यहाँ पे हमने जो बात की है वो अभी तक z equal to 2 के लिए बात की है। द सेम एक्साइटेड स्कीम और द लेवल स्कीम इज वैलिड फॉर z greater than 2। तो दैट इज हम इस केस को डिस्कस करेंगे इन मैंने इलेक्ट्रॉन एटम के लेक्चर में। फर्दर अगर हम देखेंगे कि H माइनस मीन्स के हाइड्रोजन एटम ऐसा है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो आपके पास अगेन 2 इलेक्ट्रॉन एटम बन जाएगा और हीलियम की तरह का बिहेवियर होगा, लेकिन ये एक बहुत स्पेशल केस है, इसको भी हम फर्दर सेपरेटली डिस्कस करेंगे। गर्ल्स हम लोग बात करेंगे ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम, लेकिन उससे पहले हमारा एम ये है कि हम सिंपल अप्रोच एक डिवेलप कर लें ताकि हम इन पार्टिकल मॉडल इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल देख सकें कि हीलियम एटम का कैसे होता है। यानी कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम के अंदर तो हम देखना चाहते हैं कि उसका क्वालिटेटिव इफेक्ट क्या होगा, उसके मेन फीचर्स क्या होंगे और उनका वेव फंक्शन जो है वो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, और उसकी एनर्जीज कैसे होंगी। तो हम लोग ग्राउंड स्टेट भी पढ़ेंगे और एक्साइटेड स्टेट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना एक बैकग्राउंड